नमस्कार प्यारे मित्रों मित्रों, स्वागत है आपका लेटेस्ट योग में। दोस्तों, आपके लिए काफी बेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ICAR AI टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी निकली है। 10th लेवल ये वैकेंसी आपकी निकली है। काफी सालों बाद ये ICAR ने जो है आपकी वैकेंसी निकाली है। तो इसमें आपके टोटल पोस्ट, एग्जाम डेट, सिलेबस, बेस्ट बुक एवं कट ऑफ को लेकर मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं ICAR AI टेक्नीशियन टेलर फर्स्ट की। तो इसमें आपके दोस्तों जो है 641 आपकी टोटल पोस्ट इसमें रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है इसमें, 641 आपकी टोटल पोस्ट रहेगी। एग्जाम डेट की हम बात करते हैं तो ICAR के द्वारा आपको जो है एग्जाम पहले ही यहां पर वो एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पहले से ही बता दिया है कि ICAR टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको 25 जनवरी से और 5 फरवरी के बीच आपकी एग्जाम्स होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगी आपकी 25 जनवरी से और 5 फरवरी के बीच, ठीक है। सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो सिलेबस में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एग्जाम टाइमिंग की हम बात करते हैं तो 90 मिनट का आपकी जो है ये एग्जाम होने वाली है। 90 मिनट के अंदर आपके जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस एवं पैटर्न की मैंने बात की है। हम विस्तृत पैटर्न के बारे में अगर बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर जीके में आपके जो है 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 4 पार्ट्स में ये एग्जाम होने वाली है, 1, 2, 3 और 4 में। पार्ट फर्स्ट की हम बात करते हैं तो जीके के अंदर आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जीके के अंदर आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जो 25 मार्क्स के होने वाले हैं। नेक्स्ट मैथ आएगी आपकी, 25 क्वेश्चन आएंगे एंड 25 मार्क्स की मैथ रहेगी। साइंस का पार्ट आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। सोशल साइंस इसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सोशल साइंस के अंदर आपको जो है 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 मार्क्स रहेंगे, यानी चार पार्ट में आपको ये डिवाइड किए हैं। 25 25 25 के आपके 4 पार्ट जीके, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये मैंने आपको जो है एग्जाम पैटर्न की बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर हमारे बेस्ट बुक के बारे में बताइए। काफी दोस्तों को डाउट है कि मार्केट में इस ICAR की जो है बुक से यहाँ पर नहीं मिल रही है, काफी कम टाइम बचा है एग्जाम्स के लिए, तो मार्केट में किसी भी प्रकार की यहाँ पर बुक नहीं मिल रही है। तो आपको हम बता देते हैं कि अलग से इसके लिए कोई बुक यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको बेस्ट से बेस्ट हम बुक बताते हैं। इन बुक्स को अगर आप पढ़ लोगे तो इजनी के अंदर जो है सारे प्रश्न आपको जो है मिल जाएंगे। तो हम साइंस के लिए बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो साइंस के लिए आपको लूसेंट लेकर आनी है, ठीक है। लूसेंट लेकर आनी है, लूसेंट आपको जो है सारी कवर करवा देगी साइंस। इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन इसमें आने वाले है नहीं है, क्योंकि ये 10th लेवल वैकेंसीज है। ये साइंस के लिए आपको लूसेंट लानी है। जीके के लिए आपको जो है स्पीडी लेके आनी है, ठीक है। ये स्पीडी रेलवे वाली है। काफी दोस्त कहेंगे कि सर स्पीडी तो रेलवे के लिए आती है, ऐसा कोई भी नहीं है। स्पीडी आपको रेलवे के लिए ही जरूरी नहीं है, स्पीडी में आपको काफी अच्छी जीके आपको दी है। तो जीके इसमें जो है आपकी सभी भी एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम्स आप दे लीजिए, स्पीडी काफी महत्वपूर्ण बुक हो जाती है, तो आप स्पीडी लेके आइए। हम सोशल साइंस की बात करते हैं प्यारे मित्रों, तो सोशल साइंस के लिए आपको NCERT की बुक्स पढ़नी है, 10th और 12वीं की, ठीक है। 10th और 12th की यहाँ पर जो है NCERT की बुक्स पढ़नी है सोशल साइंस के लिए। मैथ के लिए हम मैं किसी भी प्रकार की बुक्स यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ आपको जो है खुद से यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार से आप मैथ पढ़ सकते हैं। मैं मैथ के लिए कोई बुक्स यहाँ पर नहीं बताने वाला, ठीक है। मैथ वैसे ज्यादा हार्ड आपकी पूछी नहीं जाएगी, 10th की ये लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
तो ये आपकी बुक्स के बारे में मैंने बात की है, बेस्ट बुक आपकी हो चुकी है, ये बुक्स आप लेकर आ जाइए। हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो इसकी काफी सालों बाद ये वैकेंसी निकली है, तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के हम बारे में बात करते हैं। पिछली बार ये कट ऑफ जनरल की यहाँ पर इसकी जो है वैकेंसी की यहाँ पर 55 कट ऑफ गई थी जनरल की, ओबीसी की यहाँ पर आपको जो है 52 कट ऑफ गई थी, ठीक है, एससी की यहाँ पर 45 कट ऑफ गई थी एंड एसटी की यहाँ पर 42 कट ऑफ गई थी। तो ये आपकी कट ऑफ रही थी प्रीवियस ईयर। अब की बार कट ऑफ आपके ज्यादा जाने वाली है क्योंकि काफी ज्यादा आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स में टफ मामला हो चुका है, तो भारी मामले को देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अब की बार की जो है आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जनरल की आप 65 प्लस लेकर चलिए, ठीक है, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ तो है नहीं है दोस्तों, ये अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो जनरल की यहाँ पर 65 प्लस कट ऑफ रहने वाली है एंड ओबीसी की यहाँ पर 62 प्लस रहने वाली है, एससी की हम बात करते हैं तो एससी की यहाँ पर 55 प्लस होने वाली है, एसटी की हम बात करते हैं तो 15 प्लस तो आपकी कट ऑफ रहने ही वाली है एंड ईडब्ल्यूएस की देखा जाए तो आपकी जनरल के बराबर ही कट ऑफ रहती है, ईडब्ल्यूएस की आप 16 प्लस मान के चलिए। तो ये आपकी इस बार की कट ऑफ है, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपके 1 को जो है नंबर आपका काट लिया जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम्स में रहेगी। काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कॉमर्स करके कि सर जॉब कहाँ मिलेगी, तो जॉब के बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको जॉब कट ऑफ के माध्यम से मिलेगी। अगर आपके बढ़िया नंबर इस एग्जाम्स में आ जाएंगे तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब आपकी मिल जाएगी, जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वही आपकी नजदीक ही जॉब मिल जाएगी अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो, ठीक है। ये 64 आपकी डिपार्टमेंट है ICAR का, टोटल भारत में 64 जो है कंपनियां है ICAR की, तो इनमें से आपको जो है जॉब मिलेगी, ठीक है। ये कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये वैकेंसी है, यानी कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अधीन ही हम जो है इसमें अंडर में इसमें जॉब करने वाले हैं। और जॉब किस प्रकार रहेगी, तो जॉब आपके मत्स्य पालन, बीज उत्पादन, काफी प्लांट्स में, तो काफी हार्ड एग्जाम, हार्ड आपकी जॉब नहीं रहेगी ये, ठीक है, काफी सिंपल एग्जाम है। वैसे ये टेक्नीशियन दी है आपके लिए, लेकिन 10th की वैकेंसी है तो आपको खुद समझदार हो कि 10th में टेक्नीशियन में क्या है, तो आपकी छोटी ज्यादा हार्डली जो है जॉब नहीं रहेगी, काफी सिंपल आपकी जॉब रहेगी। तो काफी अच्छी ये वैकेंसी है दोस्तों ICAR के द्वारा, अभी आपके फॉर्म जो है चल रहे हैं, ऑनलाइन आप फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारा मैंने इंफॉर्मेशन दी है। अब मैं बता देता हूँ आपके लिए जीके के लिए एक और चीज कि जीके मैंने इसी चैनल के माध्यम से आपको काफी वीडियो दे रखी है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की में, और जीके एवं साइंस तो आपको वहां ही कवर हो जाएगी, ठीक है। जीके एवं साइंस के काफी वीडियो इसमें इस चैनल में पड़े हुए हैं, जो मैंने बैक प्रेस में आपको शामिल वहां पर कराए गए हैं, तो आप वहां से पढ़ लीजिए। सोशल साइंस मैंने आपको बता दी है एनसीईआरटी की बुक्स एंड मैथ के लिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी टोटल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट जो भी आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप जो है कॉमेंट करके बता सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।